जी हाँ दोस्तों, सरकार की गलत नीतियों से परेशान और अपने खत्म होते हुए रोजगार को बचाने के लिए पूर्वी दिल्ली के ट्रांसपोर्टरों ने किया महासम्मेलन। जी हाँ दोस्तों, सब्बरवाल जी की अगुवाई में इस सम्मेलन को संपन्न किया गया, जिसमें समस्त प्रकार के ट्रांसपोर्टर शामिल हुए। ट्रांसपोर्टरों के साथ दोस्तों दिल्ली की तमाम यूनियन ने इन ट्रांसपोर्टरों का साथ दिया, जिसमें कि मैं आपको बता दूं, भारतीय मजदूर संघ की ट्रांसपोर्ट इकाई ट्रांसपोर्टरों का साथ दिया, जिसमें कि मैं आपको बता दूं, भारतीय मजदूर संघ की ट्रांसपोर्ट इकाई, अभी मैं आपको सब्बरवाल जी की स्पीच सुनाऊंगा, उन्होंने अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों से क्या कहा, क्या संदेश दिया। अब वक्त आ चुका है हमें बदलने का दोस्तों, यही वो समय है जब हमें बदलना पड़ेगा, नहीं तो हमारा रोजगार दिन ब दिन खत्म होता जाएगा। यहाँ सम्मेलन में जितने भी ट्रांसपोर्टर यूनियन एकत्रित हुए थे, उन सभी ने मिलकर सब्बरवाल जी का खुलकर समर्थन किया और संकल्प लिया और सब्बरवाल जी से ये वादा किया कि हम अपने रोजगार को बचाने के लिए आपके साथ हैं। तो आइए मैं सुनाता हूँ सब्बरवाल जी ने क्या कहा। लेकिन हालात सड़कों में जैसे थे कि 5 बजे चलने के बाद भी हम लोग यहाँ 6:30 तक नहीं पहुंच पाए। मैं एक बार फिर आपसे उसके लिए क्षमा चाहूंगा। आप सब लोगों की जैसे इंतजार और दुरंत रहना पड़ा। उसके पश्चात मैं कोई भी बात जान लो अपने मन की बात दो बात तक नहीं जाकर से पहले मौका नहीं है। उससे पहले मैं जितना भी आयोजन देख रहा हूं, यहाँ पर इस टीम ने काम किया, कश्यप जी, नितिन जी, गौरव जी, जो लोग मेरे साथ फोन पर संपर्क में रहे, इतने कम समय में इतना भव्य, इतना सुंदर आयोजन की सभा का वो लोग बधाई के पात्र हैं। आपकी पूर्वी दिल्ली, पूरी पूर्वी दिल्ली हमारे ट्रांसपोर्टर्स की जो सेगमेंट है, बिरादरी है, वो बधाई के पात्र है। इतने शॉर्ट पीरियड में भी आप लोगों ने इतना बढ़िया अरेंजमेंट और सबको बुलाना, इकट्ठा करना और विपरीत स्थितियों आज की स्थिति हमारे लिए बहुत संकट की स्थिति है, हमारे व्यापार के लिए बहुत संकट की स्थिति है, उन स्थितियों में इस तरह की एकजुटता दिखाना हमारे लिए वाकई बहुत बड़े हौसले की बात है। इसको अभिनंदन समारोह, स्वागत समारोह आप लोगों ने अपने मन से कुछ भी नाम दिया हो, लेकिन हमारे अपने मेरे व्यक्तिगत तौर पर सोच ये कहती है कि आपके मन में जितने ये विचार आ गया का स्वागत किया जाए, आपके मन में ये बात आ गई या आप लोगों उसके लिए वक्त निकाल लिया, इससे बड़ा स्वागत हमारा हो ही नहीं सकता था। चाहे आप सारे नाम करते हैं तो आपने अपनी टीम को आपका ग्रहण कर लिया और लड़ने के लिए फिर से एक बार तमाम लोग हिंदी के पांच साथ में दे दी। हम समझते हैं जिम्मेवारी है, ये मालाएं एक एक माला में एक एक फूल का आपके साथ दे रहे हैं दोस्तों। हम कोई भी काम करते हैं, कहीं भी बढ़ बढ़कर आगे जाके लड़ते हैं, वो लोग चाहे वो सिस्टम हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार, वो हमारा फर्ज है और वो तब तक फर्ज है, कोई गर्व नहीं है आप पे जब तक आप लोगों ने हमें चुना। आप लोगों ने हमें जब अपना वोट दिया था, अब तो वोटिंग वोटिंग का विजय हो गया मेरा घर, लेकिन जब कभी भी आपने अपना वोट दिया था, हमें चुना था, तो वो आपने अपना मत दिया था, अपना विश्वास दिया था और इस विश्वास के साथ आप लोग इसीलिए आपको लेकर आप मेंबर बने थे कि हर संकट में, हर मुद्दा की घड़ी में, हर मुसीबत की घड़ी में आपके हाथ में जो रक्षा करेंगे उसके लिए वचन होते हैं। और मैं आगे भी आपको उसका वचन देता हूँ कि ये टीम आपकी तब तक आपकी सांस तक हर लड़ाई लड़ेगी। आज 1998 की बात याद करा के पिछले साल खेल दिए आपने 25 साल का आपका सफर है कश्यप भाई के साथ, आप बहुत पुराने लोग कहते हैं हमारा कर्तव्य, हमारा प्रथम फर्ज है उसकी लड़ाई लड़ना।
हम कहीं सेपरेट में डिवाइडेड नहीं है। यूनिटी का अपने आप में मतलब ही एकता है, और एकता आपके संगठन से है, संगठन आपके जुड़ने से बनेगा। हमारी ताकत आप लोग हो, मेंबर्स हैं। आज आप इस तादाद में बैठे हो, मैं आपको शायद बता नहीं सकता कि मुझे सुबह का टेंशन था और मैं जयपुर से चल के आ रहा हूँ उसके बाद साहब, लेकिन अब आप लोगों से छूंगे लेबर में 1% भी टेंशन नहीं देगा। आप लोगों को ठीक से जो दोस्तों, ये जो लॉस है ना, ये ट्रांसपोर्टरों को खत्म कर देता है। एक झटका
होता है तो बार बार झटके नहीं लगते। ईश्वर कभी न करे हमारे गुरु महाराज कभी न करे किसी से ऐसा संकट आए, लेकिन हम उस संकट की तरफ देख रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, हम जाने में कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन में कर रहे हैं। इस कॉम्पिटिशन को जवाब देने की कोशिश करो, 45 मिनट रहो और चीज डिटेल नहीं है, हमें जब क्यों करना पड़ेगा कि आप पीछे डाला बांधे रहेंगे और तीन बिठाओ ढाई बिठाओ दो बिठाओ चार रखे आप वो पीछे डाला बांधते वो पीछे और बढ़ सकते हैं, यही हम लोग तीन तीन सकते तीन सकते जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ तो वहाँ की समस्याओं को लेकर मैं बार बार मीटिंग का रुख करना पड़ता है, क्योंकि भव्य कश्मीर से जब से हमारा वो 370 फूटा पूरे भारत को लगा कि अब जम्मू कश्मीर की ऐश है, लेकिन जब 370 फूटा तो हमें पहला भी ये मिला जितने भी हमारे टैक्सेस थे वो डबल कर दिए गए और भविष्य से आज तक सुनवाई नहीं हो रही है और वहाँ राज्यपाल को बैठे हैं उनसे तीन तीन चार चार महीने हमारे ट्रांसपोर्ट से मिलने की घोषणा नहीं है। और दूसरी जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है वहाँ पे बस को लेके, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट से बस आते हैं, हमारा जम्मू कश्मीर इतना बड़ा नहीं है जितना दिल्ली है, राजस्थान है या कि दूसरे अदर स्टेट है, हमारा जो परमिट होता है उनको एक ही स्टेट में एक ही तीन जिलों में या दो जिलों में तकसीम किया गया है, 50 से 100 किलोमीटर दूर कोई गाड़ी जाती नहीं है। और बल्कि की बात है जितने भी हमारे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बसें चलती है उनको सिटी में एंटर नहीं किया करने दिया जाता है, जबकि ऐसा स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की जितनी भी बसें हैं उनको आराम से वो श्रीनगर सिटी एंटर करने देते हैं। 3 साल से हम चला रहे हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसा किसी अगर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां 50 सीट की है, हमारी भी 50 सीट की है, लेकिन हम वो सिटी में एंटर नहीं कर सकते और बहुत सारी मुश्किलें हमारे साथ है जिसकी वजह से हमें यहाँ पे 2 महीने के लिए 1 महीने के बाद आना पड़ता है, लेकिन गर्व से एक साथ कहना पड़ता है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो दिल्ली में बैठे हमारे राजेंद्र सोनी जी के वसादत से या उन्हीं के उनके प्रयास बहुत बार नितिन गडकरी साहब से मिले और बहुत सारे मंत्रियों से मिले, लेकिन हमारा वास्तव तो उन्हीं के साथ है। मेरे ख्याल से इस काम से सुनते इस काम से निकालते, लेकिन हमने भी कसम खा के रखी है कि जब तक हम अपने मसले हल नहीं कराएंगे हम पीछे नहीं बैठेंगे। और इस आज इस मंच पे आके हमें एक ऑक्सीजन मिला जो हम प्रयास कर रहे हैं अग्रवाल जी की वजह से और जो जितनी भी सारी टीम है मैं नाम नहीं जानता उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो आज इस मंच की बदौलत हमने एक नया दौर लाया कि नहीं भाई हम भी पिछड़े रहे हैं, पूरी जो भारतवर्ष की ट्रांसपोर्ट है वो पिछड़ रही है और बैठे भी वो है जिनके शायद काम नहीं है, लेकिन हम भी ऐसी गांव है हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। जब तक हमारे काम नहीं होंगे हम भी इकट्ठे रहेंगे, भले ही हमारी जान चली जाए हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। तो मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें यहाँ आने का जो न्योता दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। Yeah.
सरकार की गोदी में हम लोग बैठने वाले नहीं है। आज बीजेपी की सरकार है, कल कांग्रेस की होगी, कल किसी की भी होगी। जो सरकार